अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यूज शो सोशल मीडिया स्टार विद अलीना फातिमा। आज हमारे साथ कौन मौजूद है? आज बड़े प्यारे से एक स्टार मौजूद हैं जो अनकमिंग पाकिस्तान में एक बहुत अपना नाम रोशन करेंगे। लेकिन हमेशा की तरह जब भी कोई स्टार उभर रहा होता है उसको टिकटॉक पे स्पेशली तनकीद का निशाना बनाया जाता है, और इसी तरह आज हमारे पास एक स्टार मौजूद है। स्टार में इसलिए बार बार बोल रही हूँ क्योंकि बहुत ही डिफरेंट और बहुत यमी उनका कंटेंट होता है, बड़ा मजे का कंटेंट होता है कि ना चाहते हुए बंदा हंस पड़े। उनकी जुल्फे जो लहराते हैं वो, ओ माई गॉड। सो हम वेलकम करते हैं अपने शो में आज मिस्टर सुलेमान मारफानी को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह। सुलेमान, क्या सोची टिकटॉक पर आने की? टिकटॉक पर आने की तो नहीं पता, पर टिकटॉक पर आने के बाद जरूर सोचा। क्या सोची? नाउज़ुबिल्लाह हराम, डोंट डिस्कस। बहुत फनी मूड में लग रहे हैं सुलेमान, लेकिन मेरे सवाल का जवाब अभी तक आपने नहीं दिया जो मेरा एक्चुअल पॉइंट है कि क्या सोचा आपने टिकटॉक बनाने के लिए, और आपको अंदाजा था कि जब आप टिकटॉक पर आएंगे तो आपको इस तरह की तनकीद का निशाना बनाया जाएगा और इस तरह डिफरेंट डिफरेंट नेम से बुलाया जाएगा? कुछ भी नहीं पता था, लिटरली नो आईडिया। ऐसे ही स्टार्ट कर लिया था, उसके बाद जो लोगों ने फूल फेंके, सलावाते कहेंगे, उसकी खुशबू बर्दाश्त नहीं होती। ठीक है, तो आइडिया था नहीं था, मतलब दुख हुआ, कुछ फील हुआ कि यार गलत कर दिया मैंने, शायद नहीं करना चाहिए था? फर्स्ट टाइम मेरी जो वीडियो वायरल होती दैट वाज टोटली हराम थिंग, मतलब मैंने बहुत अजीब सा उसमें परफॉर्म किया था। उसकी वजह से मेरा एक फ्रेंड, ही वाज माय बेस्ट फ्रेंड, वो मुझे कहता था यार छोड़ दे ये सब, फैमिली की तरफ से भी छोड़ दे, लेकिन मेरे मम्मी पापा मुझे कभी किसी चीज़ में रोक टोक नहीं करते थे, बोला बेटा जो अच्छा लगता है ना कर, हमारी तरफ से तुझे कोई रोक टोक नहीं, बैक सपोर्ट मिलेगी। तो वो मुझे मेरा बेस्ट फ्रेंड मना किया करता था, तो उसके चक्कर में उससे मेरी काफी ऊपर नीचे हो जाती थी। जिसके तो स्टिल आपका दोस्त है? नहीं, इसी वजह से मेरी मेरा जो बेस्ट फ्रेंड था, तो वो आज देख रहा होगा, और मैं उन तमाम बेस्ट फ्रेंड्स को कहना चाहूंगी कि देखें आज हम कहां पर है, आप वहीं रह गए अपनी सिर्फ सोच की वजह से। नहीं, वो बहुत अच्छा है, जो अच्छा शख्स है मुखलिस है वो आपके साथ रहता है हमेशा, वो कभी भी किसी भी सिचुएशन में आपका साथ नहीं छोड़ता। ओके, फेम का भूत है, माय गॉड। जो उतरा था ना डिप्रेशन की वजह से आज तक नहीं चढ़ा, यानी आप भी डिप्रेशन में गए हैं तो यार अभी जो टिकटॉक पे टोटली नेगेटिविटी आ गई है तो उसके बारे में क्या ख्याल है? यार नेगेटिविटी हमारी कॉम, हमारा एक ये मसला है ना कि हम, हमारा जो टीवी एरिया जो चल रहा होता है, जो हमारा ड्रामा इंडस्ट्री है, हमारे फिल्म है, उसमें जो हमारे एक्टर सामने आ रहे थे वो काफी ज्यादा, मुझे ऐसा लगता है कि वो एक स्क्रिप्टेड होता है सारा। एग्जैक्टली, हमारी जो बैक पे जो आवाम है ना, बंदर के हाथ में माचिस लग गई, इल्ला माशाल्लाह काफी अच्छे भी हैं लोग, बहुत अच्छा, और काफी लोग जो अच्छा कंटेंट बनाते हैं उन्हें पसीराई मिली है, बट ज्यादातर ये है कि लोग नेगेटिविटी पसंद नहीं करते, वो वीडियो पूरी देखते हैं। हाँ, आफ्टर दैट वो कमेंट्स करेंगे और बोलेंगे कि हमारे फोरी पेज पर तो ऐसी वीडियो आती, तो यार आप जो देखोगे ना टिकटॉक आपको वही दिखाएंगे। एग्जैक्टली, जो हम देखते हैं ना मोस्ट वॉच्ड वीडियोस जो होती है उसी टाइप की फिर हमारी वीडियोस जो हैं वो आगे आ रही होती हैं। सुलेमान मुझे बताओ कितने रीटेक्स लेते हो टिकटॉक वीडियो बनाने में? मुझे रिटेक्स लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये सरासर झूठ है क्योंकि अभी हम एक वीडियो बना रहे हैं जिसमें से तीन रिटेक्स तो मेरे साथ ही ले लिए, तो ये तो सरासर झूठ हो गया। वो मैं की वो बस क्या बोलूं, ले लिए। ये तो झूठ है, आप पकड़े गए। अच्छा, टिकटॉक से कोई अर्निंग का सिलसिला स्टार्ट हुआ है आपका? हाँ, मैंने अर्न करना स्टार्ट किया, बट टिकटॉक से तो नहीं। टिकटॉक से तो नहीं है, दूसरी एप्लीकेशंस आ गई हैं और बहुत अच्छी आ गई है कि जो प्लेटफॉर्म पे हम इतनी मेहनत करें वहां से कुछ फायदा हो तो ज्यादा बेटर है, ऐसा ही है। तो टिकटॉक पे कोई पीआर नहीं आया, कोई प्रमोशनल वीडियोस की ऑफर्स नहीं आई अभी तक? टिकटॉक से ऑफर हुई थी स्टिल अभी दो दिन पहले भी, बट सीन सारा ये था कि बंदे अननोन थे एंड देयर वाज लाइक इतनी दूर आओ ये करो वो करो, हम लोग नाइट स्टे किया हुआ था, तो मैं अपनी वीडियोस देख रहा था एंड सडनली आई वॉच कमेंट था हीरा मानी का, मैंने टिश कराया, मैंने कहा यार ओरिजिनल अकाउंट नहीं होगा, जब मैंने प्रोफाइल में
जाके मैं देखा, मैंने कहा ये ओरिजिनल हीरा मानी की प्रोफाइल है, 1 million फॉलोवर हुए हैं। I was done, I was shouting like, yay, हीरा मानी का मैंने पोस्ट, बट थोड़ा बहुत नॉर्मल हो गया था। मतलब वो फिर फेम का जो भूत एकदम एक टाइम पे चला था वो फिर उतर गया था। अच्छा मुझे बताओ टिकटॉक पे कोई आपको क्रश? No one. I don't need crush. Okay, चले कुछ हमने सवाल तो कर लिए, लेकिन अब मैं आपसे कुछ रैपिड फायर टाइप से सवाल करूंगी, तो जल्दी जल्दी से आप हमें जवाब देना होगा। मुझे बहुत डर लगता है रैपिड फायर। नहीं अभी बहुत आसान सा रैपिड फायर है, ठीक है। लव मैरिज या अरेंज मैरिज? लव मैरिज। ओके कौन है वो खुश नसीब? स्टिल नो वन। ओके फिर क्या फायदा? मायरा खान या महवी शहजाद? मायरा खान इज बेटर देन महवी शहजाद। ओके जैद अली या डकी भाई? No one. इतना गंदा एक्सप्रेशन, सॉरी डकी भाई एंड जैद अली, मैंने कुछ नहीं किया। No one, bro. फवाद खान या शाहरुख खान? फवाद खान। फवाद खान, ओके। बिरयानी विद आलू या बिरयानी विद विदाउट आलू? बिरयानी आलू विद एवरीथिंग। आलू विद एवरीथिंग, तो एक आलू जो है वो। सुनो ये तो हमारे बहुत इजी से रैपिड फायर से, अब कुछ टिकटॉकर्स के नेम्स होंगे, जो पहला वर्ड आपके दिमाग में आएगा आपने वो बोलना होगा, ठीक है? आर यू रेडी? आई एम रेडी। एलेक्स भट्टी? यार बाल अच्छे हैं। ओके एलेक्स भट्टी रियली बाल का मतलब आपके बहुत पसंद है, बाल दे सकते हो दे दें। नायला जट? आउट स्पोकन। डॉली? फेक। कमल आफ्ताब? She's sweet. She is. Jannat Mirza? Likes थोड़े कम लिया करे। वाकी मैं इस बार मैं कुछ नहीं कहूंगी। ओके फाइनली हम लास्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। हमारा लास्ट सेगमेंट ये कि इस बाउल में कुछ पर्चियां हैं जिसमें हमने मजे मजे की चीजें लिखी हुई, और वो जो भी पर्ची आप उठाएंगे तो जो भी है एग्जैक्टली आपको करना पड़ेगा। आर यू रेडी? यार उठपटांग कुछ नहीं आ जाए। कुछ भी हो सकता है, हू नोस। बिस्मिल्लाह करते हैं, ठीक है। अब इसमें से आपको एक पर्ची निकालें, तीन पर्चियां आपने निकाल ली है। तीन निकाल ली। नहीं 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 नहीं, एक साथ, ये अलग अलग है। देखते हैं इनकी पर्ची में क्या आया है। मेरे पास तो मो, क्या करूं मेरे पास तो मो करके इसके कोई डायलॉग जो बहुत फेमस हुए उनका कुछ एक्ट करके आप दिखाएं, लाइक उस ड्रामे को आपको प्रेजेंट करना है। आप आयजा खान हैं? मैं आयजा खान हूं। आप आयजा खान हैं, वो लंबी लंबी जुल्फे अपनी याद करें और सोचते हुए कुछ करें। यार वैसे मैंने ड्रामा ही नहीं देखा है, ये ज्यादा हो गया है कैसे वो, मतलब ये ड्रामा है इम्पॉसिबल है। मैंने सिर्फ वो पार्ट देखा था जब वो ताबीज जोड़े करवाती थी और एक शेर आया था कि बिला पर बराए मेहरबानी ताबीज देख के करवाया करें, महबूब कदमों की जगह कब्र में पहुंच जाते हैं। नो कमेंट्स, इनसे नहीं हो पाएगा। दूसरी पर्ची उठाते हैं सुलेमान, बिस्मिल्लाह पढ़ ले। खुल भी नहीं रही। खुल ही नहीं रही है सुलेमान से, ये तो एक्टर इन लो। हां व्हाट इज दिस यार, ये बंदा क्या है ये, आप टिकटॉकर है, आपको एक्टर इन लो फेमस मूवी फवाद मुस्तफा महवेश हयात की नहीं पता, अगर मैं गलत नहीं तो महवेश हयात करना है क्या? आप महवेश हयात बन जाए क्योंकि आप जुल्फे ही लहराते हैं तो आप महवेश हयात बन जाए। सो इसमें आया है एक्टर इन लॉ, तो कोई गाना या इसकी कुछ डायलॉग्स को रिप्रेजेंट कर दें आप। मुझे कहते हैं बिल्ली। थोड़ा फुल महवेश की फॉर्म में अगर हो जाए तो मजा आएगा। महवेश की फॉर्म में मैं नहीं कर सकता। तो फिर सुलेमान का जो फॉर्म है उसमें करके दिखा दें आप। मेरा टॉवल नहीं है मेरे पास। मेरा टॉवल नहीं है मेरे पास। ऑलराइट, हम लास्ट पीस उठाते हैं इसका, लास्ट आप ट्राई कर ले और उसके बाद इनको हम देंगे 0 marks क्योंकि इनसे नहीं हो पाया। आई विश डोंट डू दिस ब्रो। आपके पास क्या आया है? निधाया से। ये तो सबकी ख्वाहिश होती है कि उनके शो में जाएं, तो हाँ क्या okay, करना चाहिए? मैं निधा यासमीन के शो में शादी करवाता हूँ, समझ। मैं होस्ट बन जाऊँ थोड़ी देर के? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप कुछ भी कर सकते हैं। काट देते ओके। ये लीजिए भैया, मेरी सीट जो है वो ले ली गई है।
Assalamualaikum everyone. This is me, Nira Yasir. और आज के इस शो में कुछ यूनिक होने वाला है. वैसे तो मैं हर बार शादियां ही करवाती हूँ, इस बार भी शादी ही करवानी है, बट आपकी. लेकिन जाने से पहले टिकटॉक वीडियो आपसे बनवाएंगे, लेकिन ऐसे कि हम म्यूजिक पे तो बहुत दफा बनाइए. आज अपना फेवरेट सॉन्ग या डायलॉग पे विदाउट म्यूजिक लाइव ऑन स्क्रीन करके दिखाइए. आप कोई बदले तो नहीं उतार रही? नहीं मेरी जान, कोई बदला नहीं उतार रही. ये एक शो का हमारा, ये तमाम जितने गेस्ट आए हैं सबके लिए है. ये कंपल्सरी इस शो में आ करना, ये कंपल्सरी आपने करना है. सॉन्ग कोई भी अपनी तरफ से गा के और रिस्पेक्ट करता हूं भाई. एग्जैक्टली, इट्स अप टू, टोटली अप टू यू. विदाउट म्यूजिक, विद नो सेल फोन. ओके ओके, दैट इज काका जो मेरे को नॉलेज. ये बंदा रीटेक लेता है, एज आई टोल्ड यू. अभी रीटेक्स आप चेक करेंगे. ओके, तो कुछ इस तरह से होता है कि दिस इज माय ट्राइपॉड एंड दिस इज माय हीर बना तेरी हीर बना तेनो अपने भीतर कैद करा हीर बना तेरी हीर बना तेनो अपने भीतर कैद करा तेरी अखियां विच मेरी नजर बसे तू देख मैनू मेरी दुनिया दिसे हाय हाय यार ये तो सिंगिंग टैलेंट निकल के बाहर आ गया. बाय द वे जाते जाते सिर्फ तक कहूंगी थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. और अगर आपको हमारा शो पसंद आया और आप किस टिकटॉकर को देखना चाहते हैं लेकिन क्रांची बेस होना चाहिए वो, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. मुझे दीजिए इजाजत. अलीना फातिमा, अल्लाह हाफिज.